चलिए सबको स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। चलिए आपको तो दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं। चलिए आवाज भी क्लियर आ रहा है ऑनलाइन। यस सर। चलिए क्या बताए थे बताइएगा, इस पेज में क्या बताए थे, कौन एक्सप्लेन करेगा ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, कौन एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या बताए थे यहाँ पे? सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है, ठीक, उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज में, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं लेजर के फॉर्म में, ठीक, उसके बाद समराइज करते हैं ट्रायल एंड बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर था, इसको अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं, समझे? अकाउंटिंग साइकिल भी होता है, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और उसे फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, नहीं इसको अकाउंटिंग साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है ना? चलिए इसके बाद क्या बताए थे अक्षय, बताइए इसमें क्या बताए थे अक्षय? ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। और नीचे में क्या लिखा हुआ था? इसको भी बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, सुने होंगे आप लोग इकोनॉमिक्स में, इसको बीईपी बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए उसके बाद इसमें क्या समझाया था हरप्रीत, आप बताइए, कल लेक्चर देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं? सौर सुमन आप बताइए, ऑनलाइन में कोई बताएंगे? यस सर। निशान तो बता दिए, उसके अलावा विशाल, विशाल बताइए आप। सर जैसे ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में जो भी होता है एक्सपेंस वो इसमें अलग करके लिखते हैं, और इनकम और फिर से कैपिटल लायबिलिटीज और इसे अलग अलग करके लिखते। इसमें बताए थे कि ट्रायल बैलेंस में आपका एक्सपेंस दिया होता है, इनकम कैपिटल लायबिलिटीज, पांच आइटम होगा, तो एक्सपेंस को यहाँ लेके आते हैं, इनकम को यहाँ लेके आते हैं, कैपिटल को यहाँ, लायबिलिटीज को यहाँ, एसेट्स को यहाँ, ये बताए थे। चलिए उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है, एक तरफ इनकम लिख लिए एक तरफ एक्सपेंस लिख लिए, दोनों का बैलेंस निकाले तो प्रॉफिट होता है, पक्का? उसको बाद में एक्सप्लेन किए, एक्सपेंस दो टाइप्स का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनकम भी दो तरह होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो सेल्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनकम, बाकी को बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, पक्का? और एक्सपेंस जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो फैक्ट्री के गेट से पहले जो एक्सपेंस हुआ होता है उसको डायरेक्ट बोलते हैं, बाकी को इनडायरेक्ट। हम बताएं क्या, इसमें एग्जांपल बता रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर बोले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिला के हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको, जिससे हमको निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, पक्का? इधर ही लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर लिख देंगे डायरेक्ट इनकम, तो बैलेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी डाउन करते हैं, पक्का? उसके बाद इनडायरेक्ट को ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट से माइनस करते आता है नेट प्रॉफिट आता है, पक्का? लास्टली हम देखें कि दो अकाउंट बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक पीएल अकाउंट बनता है, नहीं तो कंबाइंडली रूप से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग अलग-अलग सीखेंगे, पहले सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर सीखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड, पक्का? चलिए तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या सुधांशु चाहिए, डायरेक्ट क्या बोल रहे थे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है बता दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है? बिल्कुल इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम आता है, पक्का? क्लियर है? चलिए तो हम लोग कल बता रहे थे कि हम लोग पहचानते कैसे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ कुछ एग्जांपल्स लिए थे, नहीं जैसे हम लोग डायरेक्ट का क्या एग्जांपल लिए थे और इनडायरेक्ट का, कल तो बताया तो उसको रिवाइज करवा देते हैं, डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का। सदा और अभी आप लोग वीडियो देख के आए कि नहीं? नहीं देखे ना, हम भेजना भुला गए आप लोगों को, अच्छा देख लीजिएगा तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है? चलिए जैसे हम बताए थे, पहले बोले हम वेजेस डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट सैलरी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरी सर डायरेक्ट, डायरेक्ट सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फिर से हम बोले थे कैरेज इनवर्ड सर डायरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों डायरेक्ट है बताइए शेखर सुमन, हम्म
शेखर सुमन, क्या नाम है? राजशेखर। सचिटी सर, जो फैक्ट्री में जो सामान लाता है उस सही से लाता है, उसका जो चार्ज इसे फैक्ट्री अंदर होता है, इसलिए सर 40 दिन बाद। कैरेज इन वार्ड को हम लोग कैरेज ऑन परचेज भी बोलते हैं। क्या? कैरेज परचेज कैरेज ऑन परचेज एक ही चीज है, तो बोले कैरेज ऑन परचेज भी दिया रहेगा तो डायरेक्ट है, पक्का। अगर कैरेज आउटवार्ड दिया हुआ है तो, सेम डायरेक्ट और कैरेज ऑन सेल्स दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट सेम डायरेक्ट सिर्फ कैरेज दिया होगा तो डायरेक्ट सर डायरेक्ट एग्जाम सर डायरेक्ट वन एजम्पशन है यहाँ पे, पक्का। यस सर एजम्पशन नहीं था, बताया था ना, ये जो सैलरी वेजेस सैलरी क्या था, एजम्पशन नहीं है। इसमें वेजेस को वेट दिए हैं, इसमें सैलरी को वेट दिए हैं, इसीलिए सैलरी को माने हैं तो इनडायरेक्ट बोले हैं, वेजेस को वेट दिए हैं तो इनडायरेक्ट बोले हैं। क्लियर? इसके अलावा हम बताए थे, खाली आपको पिक्चराइज करना पड़ता है कि फैक्ट्री का क्या क्या हुआ है। तो हम लोग कुछ कुछ नाम बताए थे, किसी भी एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस का कोई भी नाम हो, अगर उसमें आगे पीछे फैक्ट्री लगा हो, आगे या पीछे फैक्ट्री लगा हो, इसका मतलब डायरेक्ट है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, पक्का। किसी भी एक्सपेंस के डायरेक्ट वर्ड में अगर फैक्ट्री लगा हो, इसका मतलब क्या है? वो डायरेक्ट फैक्ट्री का एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपको हम चौथा इंट क्या किए थे, जैसे कोल हो गया, ग्रीस हो गया, वायल हो गया, ये सब क्या है? नाम से ही पता है कि फैक्ट्री में होता है, डायरेक्ट कभी भी ये सब क्या होता है ऑफिस में आपको नहीं दिखेगा, पक्का। चलिए, तो इतना तो क्लियर हो गया था, बचा क्या? कुछ कुछ बचा है, आप ध्यान दीजिएगा। तो किताब दीजिए, हम आपको क्लियर कर देते हैं। सब बुक हेल्प लीजिएगा, बुक का। चलिए पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग, वही कल वाला जो पेज नंबर है, पेज नंबर 572। पीएल अकाउंट दिया हुआ है और 562 में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है। सब देख रहे हैं साहब? तो देखिए, कैरेज समझ में आ गया सबको? शुरू से देखिए, अब ट्रेडिंग अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को देख, सारी डायरेक्ट एक्सपेंस को देख। कैरेज समझ में आ गया? कैरेज इनवर्ड क्लियर है? कैरेज ऑन परचेज यस क्लियर सर है? रेलवे फ्राइट ऑन परचेज, इसका मतलब डायरेक्टली लग रहा है रेलवे सामान लाने में लगा होगा, पक्का। लिखा डायरेक्टली लिख दिया ना, फ्राइट ऑन परचेज। कूली एंड कार्ट्रेज, ये सब लगता है ऑफिस में लगता है, कूली उली का नाम कहाँ लग रहा है? लगता नहीं है, जब कोई बाहर सामान आया होगा तभी लाने में लगा होगा, पक्का। ऐसा लग रहा है ना, जब शोरूम से हम लोग करते हैं, कुली कुली समझते हैं आप? हाँ, बस स्टैंड पे रहता है तो कहीं से लाने में लगा होगा। एक्चुअली मैक्सिमम चीज को ऐसा माना जाता है ना कि कब से खरीदे होंगे तो डायरेक्टली सबको मैक्सिमम को डायरेक्ट ही माना जाता है। फिर से डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस क्या होता है? अगर समुद्री जहाज से सामान आया होगा तो हमको डॉक चार्जेस लगा होगा, तो लाने में लगा होगा वो, गलत की सही? मतलब कि परचेज किए होंगे तब लगा होगा। डॉक चार्जेस क्या होता है? जब समुद्री जहाज के थ्रू हम लोग कोई सामान मंगवाते हैं तब, नहीं इंपोर्ट अलग होता है। फिर क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस भी होता है क्लियर करवाने में, या तो आपका मान लीजिए कि फ्लाइट, मतलब क्या बोलता है, हवाई जहाज से आया होगा या तो पानी जहाज से आया होगा, ये होगा ना, शिप से या एरोप्लेन से आया होगा, तो क्या होगा, हम लोग क्लियरिंग करवाने में चार्ज लगता है? नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट का मतलब किसी परचेज करना, अगर इंडिया में परचेज कर रहे हैं तो परचेज कहलाता है, और बाहर से परचेज करते हैं तो क्या कहलाता है? इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट और परचेज एक ही चीज है, गलत की सही? इंडिया में परचेज करते हैं तो परचेज कहलाता है, और इंडिया से बाहर परचेज करते हैं तो क्या कहलाता है? इंपोर्ट। और सेल भी उसी तरह से है, सेल या एक्सपोर्ट एक ही चीज है, अगर इंडिया में बेचते हैं तो सेल्स कहलाता है, और अगर इंडिया से बाहर बेचते हैं तो एक्सपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट प्रोडक्टिव वेजेस, तो वेजेस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्टिव, मतलब प्रोडक्शन में लिए लगा गया वेजेस, तो डायरेक्ट है, साफ दिख रहा है, फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है वेजेस एंड सैलरी। फिर बाद में आपको लिखा हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रिपेयर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो सर आप सब में फैक्ट्री लगा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद गैस, फ्यूल, पावर, वायल, वाटर, ग्रीस, मोटिव पावर, स्टोर कंज्यूम्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चर में लगा होगा, मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? फैक्ट्री में। पैकिंग मटेरियल, तो कहने का मतलब देखिए, पैकिंग मटेरियल में कंफ्यूजन है, उस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में पैकिंग एक्सपेंस आता है, ये पैकिंग मटेरियल है कि मतलब फैक्ट्री से ही पैकिंग होकर के निकला है, पक्का। लेकिन पैकिंग मटेरियल को आप लोग क्या ले सकते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी ले सकते हैं, इनडायरेक्ट में भी ले सकते हैं, जंक्शन है बहुत जगह। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब इसके अलावा देखिएगा, आप जो यहाँ पे दिखेगा पीएल अकाउंट में, सब ऑफ फैक्ट्री के बाहर का खर्च दिखेगा। मोटिव पावर का मतलब होता है, जैसे हम लोग ये यूज करते हैं ना, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज नहीं होता है,
जो फैक्ट्री में जो था मोटका मोटका तार होता है, नहीं सब 11,000 वोल्ट सबका मशीन चलता है ना, तो उसको मोटी पावर बोला जाता है, समझे आप, पावर एंड फ्यूल बोला जाता है, उसका वर्ड अलग अलग वर्ड यूज होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज नहीं होता है, देखते कितना मोटा मोटा वायर जाता है वहां पे, उसी को मोटी पावर बोलता है, मतलब हाई पावर। चलिए अब इसमें आ जाइए आप, 572 पीएल अकाउंट में आ जाइए। तो पहला दिया हुआ ना एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। अच्छा अब आइए डायरेक्ट इनकम का, तो आपको इनडायरेक्ट इनकम याद ही नहीं करना है, खाली डायरेक्ट इनकम में खाली देखिए सेल्स है, उस भी क्लियर कर लीजिए। देखिए देख रहे हैं भाई, सेल्स है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखिए डायरेक्ट इनकम, खाली सेल्स है, रिटर्न को तो माइनस कर दीजिए, वो तो माइनस करते ही है, खाली सेल्स है और कुछ नहीं है, समझे आप। अगर सबको फेयर करेंगे लास्ट में, मतलब सेल्स के अलावा जो भी इनकम है सब इनडायरेक्ट इनकम है, तो हम लोग इतना इनडायरेक्ट इनकम नाम क्यों देखने जाएंगे, समझ में आ रहा, क्लियर है। तो बच गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ऐसे सारे एक्सपेंस जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फिर ये पिक्चराइज कर लेंगे तो हम लोग सब समझ में आ जाएगा। आप देख लीजिए फैक्ट्री से किसी को रिलेट करके देखिए, दिखेगा ही नहीं। देखिए ऑफिस रेंट, ऑफिस रेट्स, ऑफिस टैक्सेस, सैलरी, सैलरी कहाँ देते हैं ऑफिस में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में। अच्छा क्या लगता है आपको, जो ऑडिट होता है तो हम लोग समझते हैं क्या फैक्ट्री में ऑडिट करने जाते होंगे हम लोग, फैक्ट्री में कुछ नहीं होता है, सारा काम ऑफिस में होता है, जो सामान परचेज आया ना तो माल जाएगा आपको फैक्ट्री में, लेकिन उसका जो बिल आएगा परचेज बिल कहाँ आता है, ऑफिस में, सारा प्रिंटिंग ऐसे काम ऑफिस में होता है। हम लोग भी समझते थे कि फैक्ट्री देखेंगे, हम भी बहुत फैक्ट्री नहीं देख पाए, ऑडिट तो बहुत का किए लेकिन फैक्ट्री नहीं देख पाए, क्यों, क्योंकि हम लोग को ऑफिस बुलाया जाता है, ऑफिशियल एरिया अलग होता है, जैसे मुंबई का जो नरीमन पॉइंट एरिया है पूरा ऑफिशियल एरिया है, सिर्फ ऑफिस है बड़े बड़े कंपनीज का, लेकिन कंपनी सब कहाँ है आपको, विरार के उस साइड, पालघर हो गया, बोईसर हो गया, नाला सोपाड़ा हो गया, समझ पा रहे हैं, फैक्ट्री कहीं होता है और ऑफिस कहीं होता है, तो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, क्या दरभंगा में ऐसा एरिया है। अब देखें कभी ये जो आपको एरिया दिख रहा है क्या दिख रहा है, बलभद्रपुर हो गया, दरभंगा टावर से ऑफिशियल एरिया है, फैक्ट्री वाला एरिया कहीं देखे हैं दरभंगा में, कोई कोई तो जरूर देखे होंगे, इंडस्ट्रियल एरिया देखे हैं, नाम सुने हैं दुनार इंडस्ट्रियल एरिया, नाम सुने हैं कि नहीं। यस सर। आप बीएमपी 13 से पहले जो जाएंगे, आप दुनार क्रॉस करेंगे और बीएमपी 13 से पहले आएंगे तो एक बड़ा सा देखिएगा, एक सीमेंट का गेट बना हुआ है, दुनार इंडस्ट्रियल एरिया लिखा हुआ है, उसके अंदर खाली फैक्ट्री है, चावल का राइस, राइस मिल है, फिर से बहुत बड़ा बड़ा मिल सब है, समझे, वहां पे जमीन नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है, फैक्ट्री वाले लोगों को मिलता है, उसका अलग प्रोसीजर होता है, वहां का लाइट 24 घंटा रहता है, अलग पावर गया हुआ है, समझे, पता नहीं है आप लोगों को, किसी को पता नहीं है, तो घूम के जाइए, बड़ा अच्छा अंदर में लिट्टी का दुकान उकान, लिट्टी चाय का दुकान भी है, निहाल आपका व्यवस्था हो जाएगा, निहाल अरे सब घूमना चाहिए, आप एक दो दिन के अंदर घूम के आइए नितिन, समझे कहाँ जाना है। दुनार जब जाएंगे तो बीएमपी 13 से जस्ट पहले, लगभग बीएमपी 13 से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पहले बाया साइड में एक रास्ता गया है, समझे, किसी से पूछिएगा दुनार जाके घूमिएगा, बड़ा घूमने में अलग लगेगा, आपको लगेगा दरभंगा से बाहर आ गए, तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है वो, समझे आप, वो एरिया अलग होता है ना, वहां पे घर में आदमी रहता है, आवाज उवाज करता रहता है, 10 तरह का लेवर आता है, बड़ा बड़ा गाड़ी आता है, पक्का। तो दरभंगा में भी एरिया है, कहां है, क्या नाम है उस एरिया का, दुनार इंडस्ट्रियल एरिया, दुनार में पड़ता है वो, दुनार इंडस्ट्रियल एरिया, लड़की लोग के लिए मान ली सेफ नहीं है, क्योंकि उधर से लड़का लोग सिर्फ जेंट्स लोग रहता है, लड़की लोगों के लिए जाना अच्छा नहीं है, लेकिन लड़का लोग जा सकता है, क्योंकि वो समझे गाड़ी वाड़ी लगा रहता है, लेबर लोग लग रहता है, तो फैक्ट्री देखने का एक मौका मिलेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक। अब क्या देखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन, इंश्योरेंस, स्टाफ बोनस, जनरल एक्सपेंसेज, ऑफिस लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रेड एक्सपेंस, सुनिए तो ट्रेड एक्सपेंस बहुत लोग कंफ्यूज करता है, बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट अलग चीज है, लेकिन ट्रेड एक्सपेंस का मतलब क्या, नॉर्मल एक्सपेंसेस, बिजनेस करने में जो एक्सपेंस हुआ, समझे, तो बहुत लोग ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, समझे आप, तो समझ लीजिए, इसको अभी इग्नोर करते हैं हम लोग, समराइज करते हैं, समझ पा रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए समराइज कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा आप, तो हम लोग सबसे पहले क्या बोले, हम लोग के पास जो लड़ाई चल रहा है यहाँ पे, दो चीज का चल रहा है, किसका किसका, एक्सपेंस का और इनकम का, एक्सपेंस का और इनकम का। तो इनकम सबसे, इनकम में बहुत इजी है, इनकम में जो डायरेक्ट इनकम है सिर्फ क्या है,
सेल्स है, तो सिंपल है, सेल जहां भी आएगा सेल्स रिटर्न माइनस होके आएगा पक्का कभी भी, क्योंकि मान लीजिए नंदिनी नाम है ना, नंदिनी मान लीजिए गई 8 को सूट लेकर के आई, उसमें 7 को वापस कर दी, तो कितना परचेज की? अभी फ्रेंड लोग क्या बोलेगी, 8 को सूट कर दें, 1 को सूट कर दें, दुकानदार भी बोलेगा कि 8 को बिका है, 7 को वापस करके चले गए, तो कितना दुकानदार बोलेगा, सेल 1 हुआ है कि 8 हुआ है, तो रिटर्न कोई मायने नहीं करता है, तो सेल्स जहां जहां आएगा वो रिटर्न माइनस करके आएगा, और परचेज जहां जहां आएगा माइनस करके आएगा पक्का, क्योंकि रिटर्न का तो कोई मायने मायने मतलब मायने करता ही नहीं है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होगा, सिंपल सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम है वो सारे इनकम क्या है, इनडायरेक्ट है, कोई भी दिक्कत? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डोनेशन रिसीव्ड, समझ पा रहे हैं, बहुत सारा इनकम है, तो कोई भी इनकम आएगा तो सब इनडायरेक्ट में चला जाएगा। अब एक्सपेंसेस में आते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट का लिस्ट बहुत लंबा है, तो ये लिस्ट याद करना बहुत मुश्किल है, तो कहने का मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, पक्का फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिसमें से बहुत सारा में देखिए जिस वर्ड फैक्ट्री लगा हुआ है ऑलरेडी, या फैक्ट्री से जुड़ा हुआ वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, या कुछ कुछ लॉजिक होता है तो धीरे 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 समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस कभी पता नहीं चलेगा, जैसे कैरेज, एजम्पशन मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं पक्का? जैसे बोल देगा डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग लगा दिया तो डायरेक्ट हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग लगा दिया तो इनडायरेक्ट हो गया, खाली डेप्रिसिएशन देगा तो क्या करेंगे, तब उसको डायरेक्टली इनडायरेक्ट में लेते हैं, क्या कर सकते हैं, एजम्पशन है, क्लियर है? तो कुछ चीजें हम लोग प्रैक्टिस में सीखेंगे, तो आगे बढ़े, चलिए तो हमारा देखिए ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, तो अभी हमको सिखाने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिखा देंगे, तो हम लोग साथ में भी नहीं अलग अलग सीखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे पक्का, और एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर मान लेते हैं, 31 दिसंबर 2020, क्लियर पक्का? फिर अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग को आता ही है, टी शेप का होता है, इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है, सिर्फ पार्टिकुलर होता है और अमाउंट का कॉलम होता है पक्का। कल हम बताए थे कि यहाँ पर एक्सपेंस लिखते हैं, यहाँ पर एक्सपेंस नहीं लिखते हैं, पार्टिकुलर लिखते हैं, ये अमाउंट हो गया। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट, कहने का मतलब है कि सारे एक्सपेंस इधर आएंगे, सारे इनकम इधर आएंगे पक्का। चलिए, तो सबसे पहला बात, सबसे मेन इनकम तो होता है परचेज होता है, पता है आप लोगों को, सबसे मेन एक्सपेंस क्या होगा, परचेज, तो टू परचेज, अगर रिटर्न रहेगा तो माइनस कर लेंगे, लेकिन अभी छोड़ दीजिए, खाली हम लोग इजी वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, परचेज पक्का। और सेल्स रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स बाय सेल्स, रिटर्न होगा तो माइनस कर लेंगे पक्का। चलिए, अब कुछ और भी इनका और एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ एग्जांपल बताइए, जैसे वेजेस, नहीं सैलरी, मारे हरप्रीत बोले, आके मारेंगे वहां पे, सैलरी आएगा क्यों बोले, मजाक कर रहे थे, सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उठा बेटी कराना पड़ेगा आपको। चलिए, वेजेज हो गया, कैरेज हो गया, और कुछ पावर बोल सकते हैं, पानी समझे, पावर एंड फ्यूल बोल सकते हैं, तो फैक्ट्री एक्सपेंस, कुछ भी नाम देंगे, फैक्ट्री वर्ड लगा रहे हैं, कुछ भी दे देंगे पक्का। बैलेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा पक्का, नहीं आ जाएगा, इधर आएगा तो लॉस, इधर आएगा तो प्रॉफिट, हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट आया, इसको क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी डाउन कर देंगे पक्का। अब एक चीज, नया चीज सिखा रहे हैं, याद कीजिए, हम आपको जो नारियल बेचने के लिए गया था, कौन, निहाल, याद है, प्रॉफिट, प्रॉफिट सही सही नहीं आया था, प्रॉफिट सही सही क्यों नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, किसी को याद है,
स्टॉक में सर बचा रह गया था, बिल्कुल स्टॉक बचा रह गया था, तो क्या करेंगे स्टॉक बचा रह गया था तो इसका मतलब इसका हम स्टॉक को एडजस्ट करेंगे, याद है बोले थे जबरदस्ती लिखते हैं, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, नहीं तो प्रॉफिट ही ना आएगा, और अगर मान लीजिए पिछला इसका स्टॉक बचा हुआ होगा तो उसको यहाँ लिखते हैं पक्का, तो ओपनिंग स्टॉक क्लियर हो गया। अब देखिए आपका किताब से फॉर्मेट में लाके देखिए पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, खाली हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा है, लेस परचेज रिटर्न होगा वो नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लेस सेल्स रिटर्न वो नहीं लिखे, बाकी आप फॉर्मेट में लाके देखिए आपका पूरा कंप्लीट हो गया, दिख रहा है आप सब मिला के देखिए सब, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखिए दिख रहा है, मनीषा आप देखें, यस सर, तब अब लगा डायरेक्टली बता देते तो कंफ्यूजन होता पक्का, यस सर, यस सर। अब क्या होगा अभी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेके जाएंगे हम पीएल अकाउंट में पक्का, अब यहां से अब बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पक्का, तो सिखाई देते हैं डायरेक्ट, अरे तो सेम फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी देखने के लिए नहीं बोले थे आंचल, बोले थे ये क्यों देखे आप, सॉरी बोलिए आंचल, पीएल अकाउंट देख लिए आप आंचल, आंचल नाम है ना, क्यों देखे मना किया था ना देखने के लिए, सेम फॉर्मेट होगा यहाँ पर पार्टिकुलर होगा, अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट, चलिए अब ध्यान दीजिए अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट बैलेंस, अगर लॉस भी तो आ सकता था, लॉस आता तो इधर आता बाय ग्रॉस लॉस आता तो उसको भी कैरी डाउन कर सकते इधर आ सकता था, समझ रहे हैं कि नहीं आप, चलिए तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट आता तो इधर लिखते बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउट डाउन और लॉस होता तो ग्रॉस लॉस ब्राउट डाउन, चलिए बाकी क्या करेंगे इधर से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे इधर इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे, तो हरप्रीत बताइए इनडायरेक्ट इनकम का एक दूसरा एग्जांपल दीजिए, चलिए आप लोग बताइए कोई डोनेशन रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिल्कुल इंटरेस्ट रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड रेंट रेंट रिसीव्ड, बिल्कुल सही डिस्काउंट रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड बहुत हो जाएगा, ठीक है चलिए समझ में आ गया, चलिए अभी डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल दीजिए, रेंट टू सैलरी टू ऑफिस एक्सपेंस टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी और टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एकदम सही कुछ भी ऑफिस का कोई भी एक्सपेंस ले लेंगे पक्का, चलिए इधर आएगा तो नेट प्रॉफिट इधर आएगा तो नेट लॉस, इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, अब आगे क्या लिखेंगे इसको अगले एपिसोड बताएंगे, ठीक है इसको क्या लिखना है बीडी लिखना है क्या लिखना है बाद में बताएंगे, ठीक है बाय सॉरी बाय नेट लॉस,
इसके आगे दो चीज होता है समझे, दो ऑप्शन है, बीडी भी लिखने का ऑप्शन है, सीडीबीडी भी लिखने का ऑप्शन है और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट भी लिखने का ऑप्शन है, बाद में समझाएंगे, अभी जरूरी जरूरी नहीं है पक्का। देखिए फॉर्मेट ऐसा ही है, देख लीजिए फॉर्मेट अब। यस सर, यस सर, समझ में आ गया? यस सर, यस सर। चलिए अब ध्यान दीजिए, सबको समझ में आया कि नहीं? सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, यस सर, गाना बजा, एंजॉय करने दीजिए आप लोग। नहीं तो क्या करें, डिस्टर्ब हो क्या फायदा, क्या सही गलत, टेंशन ले क्या कीजिए, तो चला गया। चलिए ध्यान दीजिए, माइक बंद कीजिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पार्टिकुलर वर्ड क्यों लिखा गया, क्वेश्चन मन में आता होगा ये पार्टिकुलर वर्ड क्यों लिखा गया, नहीं सर यहाँ पर एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पे इनकम क्यों लिखा गया पक्का, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है और ये इनकम नहीं है, पार्टिकुलर लिखने सब आ गया, गलत की सही, समझ में आया क्यों लिखा गया, पार्टिकुलर लिखने से बड़ा एरिया कवर हो गया, एक्सपेंस लिखने से फिर ओपनिंग स्टॉक लिखते तो गड़बड़ा जाता ना। चलिए ध्यान दीजिए, कभी कभी आप लोग यहाँ पे COGS भी लिख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस वाला याद कीजिए, तो ये परचेज नहीं आएगा, इस तीनों के बदले खाली क्या आ जाएगा, COGS कहाँ आएगा, यहाँ पे COGS टू COGS आ जाएगा, नहीं क्लियर है। चलिए क्वेश्चन शुरू करें, बहुत मजा आएगा, नहीं पहले ये वाला स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो भूल जाइएगा, ये स्क्रीन शॉट लीजिए, सेल्फी ले रहे हैं आप बंसी का, मजाक कर रहे, टेंशन मत लीजिएगा, अरे आप अर्पित का फोटो क्या ले रहे हैं आप, इस कृतिका अर्पित का फोटो ले रही है, जा कृतिका। मेरे मजाक से किसी को बुरा नहीं लगता है ना, हाँ अंशिका? नो सर, नो सर, आप लोग से मजाक कहाँ किए तो बुरा लगेगा, ये तो पिनकाता है हमको, सॉरी सॉरी, आप लोग से मजाक करते हैं, पंखा वाले भैया थे ना, हाँ। चलिए पीएल अकाउंट का फोटो लीजिए, तो हो गया, चलिए क्वेश्चन कराते हैं और बाकी आप लोग कल से घर से बताएंगे। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉब्लम वन, प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, तो फिर से ध्यान दीजिए, इसका समरी बता देते हैं आपको, फॉर्मेट बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, यहाँ पे सेल्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा और इधर आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आया तो ग्रॉस लॉस, ये है ना पक्का, मतलब टोटल कितने आइटम हो गए, ओपनिंग बैलेंस एक, परचेज दो आएगा आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सारा आएगा, मतलब आइटम नंबर थ्री, सेल चार, क्लोजिंग स्टॉक पांच, बस लास्ट में क्या आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, कितने ही होगा ना, तो बताइए कि कहां पे आएगा, किसमें सेट करेंगे, परचेज कहां सेट होगा, ये ना दो नंबर, नहीं परचेज दो नंबर में आएगा, नहीं देखे ये परचेज रिटर्न क्या करेंगे, दो में माइनस कर लेंगे, कैरेज इनवर्ड क्या है सर, तीन नंबर, डायरेक्ट, तीन नंबर डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ड्यूटी पेड तीन नंबर है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, गैस वाटर एक्सेट्रा डायरेक्ट, तीन नंबर, सेल्स सर इनडायरेक्ट, नंबर फोर सर डायरेक्ट, हाँ हाँ क्या इनडायरेक्ट में बताइए थोड़ा सा, निशान कौवा उड़ मैना उड़ाते उड़ा, निशान बोले इनडायरेक्ट क्या बोला, विशाल बोला था, विशाल सेल इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनकम है, इनकम इनकम, अच्छा सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, चार में माइनस, यस सर, ओपनिंग स्टॉक
सर वन में माइन वन में फाइव चढ़ा क्या है सर फाइव फाइव वन ओवर अच्छा क्या नहीं समझ गया सब कुछ सेट करना आंसर आ जाएगा हाँ कहाँ कहाँ सेट करना पता है ना उसका लिए आइटम को ढूंढना है देख लीजिए ये बन गया देखिए तो अब नाम नहीं दिया हुआ था किसका बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर कुंदन गुप्ता नहीं लिखा हुआ था फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखा हुआ था लिखा हुआ था देखिए तो ब्लैंक छोड़ दिए पक्का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक परचेज लिखे लेस रिटर्न कर दिए एक दो लाख में तीसरा माइनस था कैरेज इनवा ड्यूटी पेड वेजेज गैस वाटर सेल्स को माइनस करके लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए तीन नब्बे बैलेंस की एक एक तीस आया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट या तो खाली लिख दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन पक्का इसको लिखने की जरूरत नहीं इतना बड़ा अच्छा बता रहा है कि हमने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया तो इसे भी तो ट्रांसफर करेंगे हम लोग पक्का इजी है चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे आपको कौन भेजता है मतलब ये आप किससे लीजिएगा फोटो ये वाला अब वीडियो तो लेट से जाएगा हो सके तो कल जाएगा चलिए इसका सॉल्यूशन ले लीजिए किसी से कांटेक्ट कर लीजिए ना यहाँ से कोई फ्रेंड से आकांक्षा भेज दीजिएगा एक और बता देते हैं पक्का तो इसमें मतलब कितने पार्ट होते हैं समझे आप इशारा समझेगी नहीं इसमें मैक्सिमम क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सारा होगा ये तो ओपनिंग स्टॉक रहेगा परचेज रहेगा और डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा इस साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक रहेगा मतलब पांच पार्ट है पक्का चलिए क्वेश्चन नंबर टू बताते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है मनीषा यस सर चलिए ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में वो वन में जाएगा मतलब कहने का मतलब लॉजिक हिसाब से जो हम बताए अभी yes, उसके नीचे परचेज आएगा परचेज माइनस yes, करके आएगा टू में माइनस करके आएगा सेल्स डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट इनकम हो गया फोर में माइनस yes, कर देंगे इसमें से इसको वेजेस थ्री एक्सपेंस हो गया कैरेज इनवार्ड थर्ड फैक्ट्री रेंट थर्ड ड्यूटी या क्लियरिंग चार्जेस थर्ड इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस थर्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से मत कीजिएगा वाटर चार्ज समझ में आ रहा है वर्ड से लग रहा है कि ये क्लोजिंग स्टॉक फाइव आ जाएगा आंसर yes. चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजी है कि नहीं इजी है यस सर बहुत इजी इजी है कि इजी बनाया गया है आप बनाए सर थैंक यू अच्छा नहीं सही बता रहे पढ़ाई यही नजरिया है आप उस चीज को कैसे देख रहे हैं पक्का नहीं yes, yes, मान लीजिए कि सुधांशु को देख रहा है कोई बोल देगा खाया पिया शरीर है तो सामने से डरने लगेगा लोग अब बोल देंगे खाली फुला हुआ है तो कोई जाके तो चपटा मार देगा क्या प्रेत दिखाने का नजरिया है आप किस नजर से दिखा रहे हैं उसको डरावने की नजर से या इजी के नजरिए से गलत की सही चलिए तो अगला होमवर्क का बाकी का होमवर्क रहेगा थ्री अच्छा नहीं बन पाएगा एडजस्ट पर क्या समझ नहीं एडजस्ट पर मतलब क्या होता है परचेज में सब एडजस्ट किया हुआ है रिटर्न उटर्न एडजस्ट किया हुआ है नहीं परचेज माइनस परचेज रिटर्न को बोल सकते हैं एडजस्टेड परचेज मतलब परचेज को एडजस्ट कर दिया इसमें रिटर्न नहीं दिया बोलिए सर तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा ना एडजस्टेड परचेज में नहीं परचेज क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी एडजस्ट किया एडजस्टेड परचेज में एडजस्ट किया हम कल बता देते हैं समझे आप कंफ्यूज टाइम खत्म हो गया पर से देखिए आ गया होंगे 45 हो गया है देखिए तो बता देते कंफ्यूज मत कीजिएगा दो ही तक बनाइए पहला दिन है ना कंफ्यूज मत कीजिएगा समझे निशांत सर हम विशाल थे अच्छा विशाल समझे विशाल दोनों का आवाज मिलता है यस सर आप लोग इसमें से आप लोग ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे हैं आप तो फ्री हो गए ऑफलाइन विशाल आप मधुबनी में हैं ना तो मधुबनी यस सर विक्रम आप क्यों नहीं आ रहे हैं विक्रम सुंदर सावर शशांक सर अभी गांव में हैं सर आ रहे हैं सर कल आ रहे हैं राजशेखर आप क्यों नहीं आते हैं सर गांव जाएंगे तो जाएंगे तब ना अभी है तो आज तक तबीयत खराब हो गई है सर नहीं चल रहा है क्या
नेगेटिव में तो लॉग लगा, परमिशन नहीं है आगे पीछे। अच्छा ठीक है बैठिए, कॉल करके पूछना पड़ेगा। इनके पास नंबर है परविंदर का है, कॉल कर पूछे तो। सुनिए ट्राई कीजिएगा ना, तो पांच नंबर से ट्राई मत कीजिएगा, समझे आप? पांच नंबर से लेके कुछ नंबर तक क्वेश्चन जो ट्राई मत कीजिएगा, टेंशन हो जाएगा क्योंकि इसमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में है, ऐसे ज्यादा हो जाएगा अभी, नहीं तो बताएंगे नहीं, दो तक बनाएंगे ठीक है ना, ज्यादा नहीं हो जाएगा। कल हम आपको समझा देंगे कि एडजस्टेड परचेज क्या होता है, ठीक है, उसका मीनिंग समझा देंगे, अभी बताएंगे दिक्कत हो जाएगा, टाइम टाइम कम है ना, चलिए आराम से बताएंगे। क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया, क्या बोल, नीचे मैं बोले क्या, कंफ्यूज हो गया है। अच्छा ठीक है, टाइम आप लोग का हो गया ना, अकाउंट का टाइम काफी हो गया। अच्छा यहाँ तक जब जितना बताया वहां तक कोई क्वेश्चन किसी के मन में, कोई दिक्कत हरप्रीत, हरप्रीत कोई दिक्कत, हर्ष आपको, हर्ष यस सर, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यस सर, नो सर।